सियाराम साथियों, आज हम इस वीडियो में जाने वाले हैं मेंढी के महादेव के स्थान पर। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का एक ऐसा स्थान जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो कि नीलिया महादेव से पहले पड़ता है और बहुत ही शानदार स्थान है। हरी भरी वादियों के बीच बना यह स्थान बहुत ही सुंदर है और देखने लायक है। तो अगर आप भी मेंढी महादेव आना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही जानकारीफुल होने वाला है। दोस्तों, बस्सी और कोटा हाईवे पर घने जंगल और पहाड़ियों के बीच स्थित मेंढकिया महादेव जी का मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मेंढकिया महादेव मंदिर की खासियत है कि यहां घुमावदार आकार में लगभग 450 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, उसके बाद गुफा में महादेव जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पहाड़ियों से 12 महीने पानी बहता रहता है। बारिश के दिनों में ऊँचाई से गिरता झरना हर किसी का मन मोह लेता है। चारों तरफ हरियाली, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच मेंढकिया महादेव के दर्शन और झरने में नहाने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से यहां आते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बताया जाता है कि यहाँ कई दशकों पहले एक साधु बाबा पहाड़ों के बीच तपस्या करते थे। पत्थरों के बीच स्थापित शिवलिंग के आसपास ढेरों मेंढकियाँ निकलती रहती थी, इस कारण से यह जगह मेंढकिया महादेव कहलाने लगी। ये भैया यहाँ पर महादेव जी के दर्शन करने आए हैं, कैसा लगा आपको यह स्थान? बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का और बहुत ही झरना वगैरह भी चल रहा है। दर्शन किए महादेव के? हाँ बिल्कुल साहब। कैसा ये प्राकृतिक वातावरण? बहुत ही शुद्ध। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मेंढकेश्वर महादेव स्थान। अगर आप भी मेंढकेश्वर महादेव स्थान या मेंढकी महादेव आना चाहते हैं तो चित्तौड़गढ़ से आपको सेमलपुरा चौराया आना है और वहां से जो कोटा की तरफ फोर लाइन जा रही है उस फोर लाइन पर आपको 5-6 किलोमीटर चलना है। सुरजना गांव आएगा और सुरजना गांव से आगे एक फोर लाइन का ब्रिज आएगा, उस ब्रिज के नीचे होकर जंगल की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते पर आपको आना है। वो रास्ता सीधा मेंढकी महादेव आपको पहुंचा देगा।
अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।